हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र जैन। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैनवा के बारे में। कैनवा से आप कैसे फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कैसे थंबनेल बना सकते हैं, कैसे फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं, सारा कुछ इसमें आने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल स्क्रीन पर। गूगल पर मैं सर्च करता हूँ कैनवा। जैसे ही मैंने गूगल पर सर्च किया कैनवा, तो देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलने वाला है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे जैसे ही मैंने ओपन किया तो आया है यहाँ पे, देखिए प्रेजेंटेशन, वीडियो, लोगो, इंस्टाग्राम पोस्ट, यहाँ पे एवरीथिंग। यदि कोई आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, यूट्यूब पे आपको थंबनेल बनाना है, फेसबुक पे आपको पोस्ट बनाना है, कवर फोटो बनाना है, तो आप यहाँ से सारा कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलते हैं कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड हमें कोई पोस्ट बनाना है, जैसे तो हम सोशल मीडिया पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मान चलते हैं मैं क्या बनाना, फेसबुक पोस्ट बनाना, फेसबुक पोस्ट पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से ये फ़ायदा है कि जैसे पर्टिकुलर यदि फेसबुक पोस्ट पर बना रहे हैं तो फेसबुक पोस्ट की ये साइज़ जो रहेगी एड बिल्कुल फिक्स रहेगी। जब भी आप फेसबुक पे अपलोड करेंगे तो फिक्स आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए हमें कोई पोस्ट बनाना है फेसबुक पर डालने के लिए, जैसे मान के चलिए किसी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये पोस्ट ली। ठीक है, और सारी जैसे मान के चलिए और भी पोस्ट रहती हैं, जैसे ये है पोस्ट, ये फेसबुक पोस्ट के लिए ये ले ली हमने। ठीक है, अब इसमें कुछ हमें एडिट करना है तो हम देखिए कैसे एडिट करते हैं। ये देखिए एडिट हुआ है। ठीक है, यहाँ भी हमें एडिट करना है, वहाँ क्लिक करके। ठीक है, इसी इमेज में और यदि कुछ टेक्स्ट करना है और कुछ लिखना है, ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाइए और जिस टाइप का फॉन्ट चाहिए वो ले सकते हैं यहाँ से, देखिए। ठीक है, ये थे क्या है बने बनाए। यहाँ पर कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट जो है बने बनाए हुए हैं। इसके बाद एक्चुअल में क्या करना है, जैसे मान के चलिए आपको नई पोस्ट बनाना है। ठीक है, तो फिर से कैनवा पर क्लिक करेंगे, फिर से फेसबुक पोस्ट पर हम क्लिक करेंगे और न्यू इमेज बनाना है अपने को, अपने हिसाब से क्या अपने तरीके से डिजाइन करना। तो चलते हैं। तो देखिए आपके सामने फिर से फेसबुक पोस्ट का स्क्रीन आ गया होगा। ठीक है, देखिए ये फेसबुक पोस्ट का, अब मान के चलिए हमें किसी का बर्थडे के लिए फिर से पोस्ट बनाना है, हमें अपने हिसाब से डिजाइन करना है। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, यहाँ से मान के चलिए इस बंदे का बर्थडे है, हम उसकी फ़ोटो लेंगे। ठीक है, हमने ये फ़ोटो ली, ये ले ली मान के चलते हैं। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये हमने उसकी फ़ोटो ले ली। अब क्या करते हैं, अब हमें कुछ टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट करना, ये हमने टेक्स्ट ले लिया, हमने लिख दिया विश यू हैप्पी बर्थडे भाई। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, विश यू हैप्पी बर्थडे भाई, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको ऐसे मान के चलिए कलर कोड करते हैं। ठीक है, ये ले लिया, अब क्या करते हैं इसको एक साइड करते हैं अपन, क्या करते हैं ये देखिए इसको कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये पोस्ट, अब क्या करते हैं सामान के लिए हमें कोई केक चाहिए या फ्लावर्स चाहिए, तो हम एलिमेंट्स पे जाएंगे, एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें क्या चाहिए, केक चाहिए। ठीक है, केक हमने यहाँ पर लिखा, सर्च कर दिया तो बहुत सारे केक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके कैनवा के क्या है, एक्चुअल में दो वर्जन है, एक तो कैनवा जो फ्री में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा है कैनवा प्रो जिसमें चार्जेस लगते हैं। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, ये हमने फ्री इमेज ले ली केक। ठीक है, इसको हम छोटी कर देते हैं साइज, ये देखिए ये हमने क्या रख दिया, केक रख दिया। ठीक है, इसको छोड़ा और छोड़ा,
अब यहाँ पर मान के चलिए हमें नाम लिखना है इसके नीचे, तो हम क्या करते हैं नाम लिखते हैं। मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में हम नाम लिखते हैं सेल इंजन। क्या लिखते हैं SHAIL-E, ठीक है गाइस। ये देखिए मैंने यहाँ पर नाम ले लिया, इसके नीचे रख दिया। ये देखिए मैंने ब्लू कर दिया, डिजाइन करना हमें कोई कलर से लिखना है, एक कलर ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे हमें BIRTH Y सर्च किया हमने, ठीक है, तो ये हैप्पी बर्थडे आ रहा है। हमें एलिमेंट्स के रूप में लिखना है हैप्पी बर्थडे, तो ये लिखना, ये मान के चलिए हमारी पोस्ट बन गई, ठीक है। इसको यहाँ से डाउनलोड करना है, PNG में थोड़ी अच्छी क्वालिटी रहती है, इसलिए PNG में यहाँ से डाउनलोड करना और डायरेक्ट यहाँ से पब्लिश टू फेसबुक करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अच्छा दूसरी चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड दिख रहा, बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बैकग्राउंड आ जाएंगे। वैसे इस पर ये सेलेक्ट करना तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये वाला करना तो ये आ जाएगा। बैकग्राउंड ऐसे जिस प्रकार से आपको चेंज करना है बैकग्राउंड, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, वो तो ऑडियो आता है, तो यहाँ से आप ऑडियो भी वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। स्टाइल इसमें कुछ आते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स इफेक्ट्स हैं और स्टाइल, ठीक है, और एलिमेंट्स टेम्पलेट, ठीक है गाइस। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया, वो कैनवा ऐप कैसे चलाते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। अब 2 दिन प्रैक्टिस करिएगा गाइस, आप बिल्कुल 100% सीख जाएंगे। और कैनवा ऐप इतना इजी है कि आप बहुत जल्दी इसको कवर कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो आई होप आपको कैनवा समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्राई करके सीख लें, आपका बहुत सारा काम आसानी से हो जाएगा। थैंक यू गाइस, वेलकम।